तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे सभी आप लोग। आज हम पढ़ने आए हैं इस वीडियो पर नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9 और क्लास 12 में भी आता है। तो चलो चलवाते हैं। और सबसे पहले नोट मेकिंग समझते हैं, नोट मेकिंग का यूज कहाँ होता है। तो तुमने देखा होगा रिपोर्टर लोग जो है बड़ी बड़ी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज कह के छोटे छोटे सेंटेंस में दे देते हैं। वो कैसे देते हैं, वो बड़ी बड़ी चीजों को इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, उस छोटे छोटे नोट्स को पॉइंट को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे देते हैं। ऐसा आप भी करते हो चाहे स्कूलों में, कॉलेज में या फिर आपकी कक्षाओं में, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो आप पूरी बातों को जो सर बताते हैं उसे पूरा पूरा छापते चलते हो। क्या नहीं, आप क्या करते हो, जो मेन मेन बातें होती है तो उसे अंडरलाइन कर लेते हो या तो उसे किसी कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लेते हो। तो यही नोट्स है नोट मेकिंग। तो चलो समझते हैं नोट मेकिंग। पहले ये समझ लो नोट मेकिंग समझना क्यों जरूरी है। नोट मेकिंग समझना जरूरी है क्योंकि तुम्हारे पेपर होंगे और पेपर में 8 से 7 नंबर की आती है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वीडियो को स्किप मत करो, ऐसा मत सोचो कि तुम्हें नोट्स बनाना आता है, नोट मेकिंग बनाना आता है तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस वीडियो से आज बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं। आपको नोट मेकिंग लिखने का आता है 7 से लगभग 8 नंबर का, 7 से लगभग 8 नंबर की आपको नोट मेकिंग आती है। बट ये नोट मेकिंग पूरा सिर्फ एक नोट से लिखने में आपको नंबर नहीं मिलता है, आपको ये नंबर कुछ रूल से डिवाइडेड होता है। 7 से 8 नंबर में कुछ नंबर मिलता है टाइटल पे, लगभग 1 नंबर मिलता है टाइटल देने पर, फिर आपको नंबर मिलता है नोट्स लिखने पर, आपको नोट्स लिखने पड़ते हैं। इसके बाद आपको नंबर मिलता है की पॉइंट लिखने पर। की पॉइंट में होता है आपका एब्रीवेशन वर्ड और एब्रीवेटेड वर्ड और एब्रीवेशन वर्ड्स, आपको ये आता है। इसके बाद कुछ नंबर मिलते हैं आपको समरी पे। तो पहले चलो समझते हैं कि नोट्स का टाइटल कैसे लिखा जाता है। तो टाइटल होगा क्या, पहले समझो। जब भी आप किसी फिल्म को देखते हो, जैसे आपने फिल्म देखी बाहुबली, तो बाहुबली में पूरी फिल्म किस पे बेस्ड थी, पूरी फिल्म किसके ऊपर बनाई गई, बाहुबली के ऊपर। तो ये जो नाम रखा उनके क्रिएटर ने, उनके डायरेक्टर ने बाहुबली क्यों रखा, क्योंकि पूरी फिल्म किस पे बेस पे थी, बाहुबली पर बेस पे थी। तो इसी प्रकार से आप जब अपनी पेपर का अनसीन पैसेज देखते हो तो उस पैसेज को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाता है कि पूरा का पूरा पैसेज किस बेस, इसका बेस क्या है। जैसे आप पढ़ रहे हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या फिर आप पढ़ते हो हेल्थ को लेकर के हेल्थ इज अ वेल्थ। तो इस प्रकार से आप जब पूरे पैसेज को पढ़ते हो तो उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि इस फिल्म में बाहुबली टाइटल देना है या फिर कोई मिल गया। तो आपको फिल्म का टाइटल मिल जाता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी नोट मेकिंग के लिए हमें सबसे पहले टाइटल लिखना पड़ता है और ये टाइटल मिल जाता है आपके अनसीन पैसेज में से। तो अनसीन पैसेज, हालांकि पेपर में इस समय अनसीन पैसेज सरल आते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने प्रीवियस पेपर के अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। मैं सिखा रहा हूं कि आप उसे लिखोगे कैसे। देखो टाइटल लिखते हो, टाइटल कैसे मिलता है, आप पूरे पैसेज को पहले रीड करो, ऐसा क्वेश्चन देखा रहता है ना कि पूरे पैसेज को पहले रीड करिए, रीड करके इसका टाइटल नोट मेकिंग समरी दीजिए। तो आपको टाइटल जब आप पूरा पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ोगे, आपको नहीं समझ में आता तो बिल्कुल परेशानी होना, एक बार फिर से पढ़ लो। हालांकि टाइम की कमी रहती है तो टाइम आपको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट टाइम बचाना है पर उसके कारण अपन गलत भी नहीं करना चाहते, गलत करेंगे तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा। तो आपको अच्छे से पहले एक बार पैसेज को पढ़ना है, आपको दोबारा यदि नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। आप जब दो बार पढ़ोगे तो लगभग बहुत सारी चीजें आपको उस पैसेज में समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आया तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको उसमें से मेन मेन चीजें नोट्स में फटाफट लिखना स्टार्ट कर देना। देखो पेपर में सबसे जरूरी होता है टाइम को बचाना। अभी समझो नोट्स में टाइटल कैसे मिलता है, आप जब पैसेज पढ़ते हो तो आपको लगभग समझ में आ जाता है, ये जनरल सी बातें होती है, पैसेज भी समय पेपर में सरल सरल से आते हैं। आप जल्दी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पैसेज लिखा है पैसेज किसका, इसका मतलब टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल तो लगभग आपके इम्यूनिटी पावर, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उस तरीके से आप जो है टाइटल आपको पता चल जाता है। तो आप टाइटल लिख देते हैं जिस प्रकार से फिल्म का नाम होता है। टाइटल देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टाइटल में एक नंबर मिलते हैं, टाइटल बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप टाइटल लिख देते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ता है नोट्स। तो नोट्स के लिए पहले ऐसे हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे नोट्स, उसके नीचे लिखेंगे हेडिंग। अब ये हेडिंग क्या है, तो हेडिंग बनती कैसे और नोट्स कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपके पास सीधा सिंपल ट्रिक है कि आपके पास जो एक बड़ा सा पैसेज होता है, एक बड़ा सा क्या होता है आपके पास अनसीन पैसेज, इस पैसेज को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक यहां से लेकर के जहां पे कुछ लगभग 5-6 लाइन का छोड़ करके आप यहां पर खत्म कर दें एक, इसको नाम दे दें नंबर 1। इसके बाद कुछ जहां पे खत्म हो रहा है उसी के बाद से थोड़ी ही दूरी पे नंबर 2 नाम दे दें इतना। आप पैसेज को मैसेज और भी कहना चाहता हूं कि आप अपने पैसेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अपने पैसेज को क्या करो, 1 से 2, 2 से 3 और यहां से 3 से ये यहां तक,
यहाँ पर क्या करो, आप अपने पैसेज को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको नोट मेकिंग करने के लिए कि आप अपने पैसेज को क्या करें, पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब आपने जो पहला पार्ट डिवाइड किया, इसमें ढूंढो कि इसमें पूरे इस पार्ट में क्या बताया जा रहा है, इसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ के एडवांटेज बता रहे हैं। जैसे होता है ना, शुरू में एडवांटेज बताते, फिर डिसएडवांटेज बताते, फिर क्या बताते हैं उसके कि हम हेल्थ अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे इसमें बता रहा है हेल्थ के एडवांटेज, कि हेल्थ का क्या क्या फायदा है, तो पहली हेडिंग आपकी बन जाएगी एडवांटेज ऑफ हेल्थ। इस प्रकार से आप पहली हेडिंग बना लेंगे। अब पहली हेडिंग जब बन जाएगी तो दूसरी हेडिंग कैसे बनाना, पहले इसी को फिर पॉइंट की बात पॉइंट क्या बनाते हैं दूसरी हेडिंग। जैसे मैंने बताया कि आपको पहली हेडिंग में बताया था हेल्थ के एडवांटेज, अब दूसरी हेडिंग में मालूम बता रहा है हेल्थ के डिसएडवांटेज, मतलब कि उसके नुकसान। तो हेल्थ के डिसएडवांटेज यदि आपको दूसरे पैराग्राफ में यहां पर बताया जा रहा है, तो दूसरे पैरा में क्या लिखोगे, डिसएडवांटेज ऑफ हेल्थ। तो आप यहां पर डिसएडवांटेज ऑफ हेल्थ लिख लेंगे। उसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है, जैसे कि आपको तीसरा पैराग्राफ में वैसे तो कुछ भी दिया जा सकता है, एक तौर पर मान लो कि आपको इसमें बताया जा रहा है कि अपनी हेल्थ कैसे बनाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, हेल्दी फूड खाओ, डाइट पे रहो और बहुत सारी चीजें खाओ, जैसे कि मेहनत करो, एक्सरसाइज करो। तो यदि तीसरे पॉइंट तीसरे पैरा पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बना सकते हो, तो तीसरे पैरा की हेडिंग क्या हो जाएगी कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको हेडिंग समझ में आएगा कि आपको हेडिंग कैसे लिखना है। हाँ, नोट्स का हेडिंग आप जरूर डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा हेडिंग। हेडिंग समझ में आएगी, आप पहली हेडिंग कैसे लिखोगे, आप फिर दूसरी हेडिंग कैसे लिखोगे, फिर आप तीसरी हेडिंग कैसे लिखोगे। यदि आपको हेडिंग समझ में आ गया तो चलो हम बढ़ते हैं पॉइंट्स पर, कि हमें ये पॉइंट्स कैसे लिखना है। 1.1, 1.2, 1.3 देखो आपने क्या लिखा हेडिंग, अभी अभी यहाँ पे लिखा डिसएडवांटेज ऑफ मतलब हेल्थ के नुकसान, हेल्थ के नुकसान नहीं, डिसएडवांटेज ऑफ हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ के क्या कोई नुकसान हो सकता है, आपकी हेल्थ यदि कम है तो नुकसान जरूर हो सकता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। डिसएडवांटेज जो हेल्थ के डिसएडवांटेज हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आपकी हेल्थ क्या हो, कमजोर हो आप दुबले पतले हो, तो आपकी आपके साथ क्या क्या हो सकता है, इससे बीमारियां हो सकती है। यदि यहाँ पर ये बताया जा रहा है तो आपने देखो पहला पैरा क्या लिखा था, आपने पहला पैरा लिखा था एडवांटेज ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के फायदे, हेल्थ अच्छी हेल्थ होने के, बॉडी होने के फायदे। तो यहाँ पे आपको कुछ फायदे बताए जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स को आप 1.1, 1.2, 1.3 करके लिख लोगे। 1.1, 1.2, 1.3, 3 से ज्यादा मत लिखना, ज्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, नंबर तो उतने ही मिलने हैं, ठीक है। आप पहली हेडिंग लिख लोगे, इसी प्रकार से दूसरी हेडिंग में बताया जाता है डिसएडवांटेज या फिर हेल्थ कमजोर, आपके कमजोर होने के नुकसान। तो डिसएडवांटेज में भी आप लिख लोगे कि हेल्थ का मतलब नुकसान क्या क्या है, आप पतले दुबले हो, कमजोर हो, तो आपको क्या क्या नुकसान होगा, आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार से आप तीसरी हेडिंग में आओगे तो तीसरी हेडिंग में क्या बताया था कि आप अपनी हेल्थ को कैसे बनाएंगे। तो हेल्थ कैसे बनाएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में दिया होगा कि एक्सरसाइज करें, तो यहाँ पर लिखते हैं डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। फिर क्या, जैसे कि कुछ पॉइंट दिए रहते हैं कि डाइट पे करें, डाइट करें, तो यहाँ पर लिखते हैं कि आप क्या करें, डाइट करें, खाना हेल्दी फ्रूट्स खाएं, हेल्दी फ्रूट्स खाएं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यदि जैसे 3.1 है वहां दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3.3 दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पॉइंट तो तीन लिखनी है, हेडिंग कितनी लिखनी है, तीन, फिर भी यदि आपको लगता है कि इतने में शायद नंबर कट सकते हैं, तो आपको अपने 3.3 को थोड़ा सा बढ़ा देना है। 3.3 के भी आप क्या करोगे, जैसे 3.3 लिखा इसी के आगे थोड़ा सा लिखेंगे, अब वो कैसे लिखेंगे, आपको अलग से जो है जैसे 3.3 लिखा है तो आपको अलग से 3.4 बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी का 3.31 बना करके लिखना है, या फिर एक और बना सकते हैं आप 3.32, यदि कुछ एडवांटेज इसी के अंतर्गत दी है तो आप इसके अंतर्गत लिख देते हो। ऐसे में आपको सर एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब नंबर काटते नहीं है, एक्स्ट्रा मार्क्स तो दे नहीं देंगे, 8 में से 10 दे दें, तो मतलब नंबर कटने की गुंजाइश क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो आपको हेडिंग सब हेडिंग बनाना है, आप अपने पैसे के तीन पार्ट्स बनाएंगे और सब हेडिंग हेडिंग बना लेंगे। तो अब आती है बारी एब्रीवेशन वर्ड्स की। देखो आप अक्सर गलती करते हो, आप पूरा पैसेज में नोट्स लिखते हो, समरी लिखते हो, बट एब्रीवेशन वर्ड्स लिखना आप छोड़ देते हो, तो यहाँ पर आपके नंबर क्या होते हैं, सर काट लेते हैं। तो आपको एब्रीवेशन वर्ड जरूर लिखना है। एब्रीवेशन वर्ड होता क्या है, एब्रीवेशन वर्ड का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। जैसे आप कई चीजों को क्या करते हो, जैसे आपको लिखना है किलोग्राम, जैसे आपको पूरी चीज क्या लिखनी है किलोग्राम, तो किलोग्राम को आप क्या लिख देते हो शॉर्ट फॉर्म में केजी। यदि आपको लिखना है सेंटीमीटर, आपको लिखना मान लो सेंटीमीटर आपको लिखना है, तो आप क्या लिख देते हो सीएम, लिख देते हो सीएम। इसी प्रकार से जैसे आपको लिखना है एंड, तो एंड को आप क्या लिख देते हैं, सिंबल बना देते हैं आप एंड। ऐसे बहुत से शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आईयूपीएसी होते हैं इंटरनेशनल योर प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म कहलाते हैं ये कहलाते हैं एब्रीवेशन, और ये लिखने पे आपको नंबर मिलते हैं। आपको यहाँ पे एब्रीवेटेड वर्ड क्या होता है, पहले समझ लो, एब्रीवेटेड मतलब लॉन्ग फॉर्म और एब्रीवेशन वर्ड मतलब शॉर्ट फॉर्म।
एबिवेशन वर्ड्स का यूज किया जाता है अक्सर नोट्स बनाने में, और आपको एक की बना करके ऐसा लिखना जरूरी है। आप एबिवेशन वर्ड्स को पेंसिल से ऐसा एक डब्बा बनाकर यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे एब्रीवेटेड वर्ड, फिर लिखेंगे एबिवेशन। ये लिखना बहुत जरूरी। सीरियल नंबर क्या होता है? क्रमांक। जैसे लिखते हैं 1, 2, 3 तो सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे एब्रीवेटेड वर्ड्स जिसका मतलब होता है लॉन्ग फॉर्म। तो ये लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे आप, जैसे किलोग्राम। यहाँ पे एब्रीवेशन वर्ड में हमें शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जैसे केजी, ये सेंटीमीटर, तो सीएम, ये एंड, तो सिंबल बना दो एंड। तो इस प्रकार से ये हो गया आप की। इसके बाद होती है बारी समरी की। तो समरी क्या होता है? समरी होता है निचोड़, अनसीन पैसेज का नहीं, आपके नोट्स का निचोड़। यहाँ पर आप गलती कर देते हो कि समरी लिखना है, तो समरी आप क्या करते हो, अनसीन पैसेज से लिखना स्टार्ट कर देते हो, जहां पे आप बहुत सारा समरी लिख देते हो, या तो बहुत छोटा समरी लिख देते हो, या तो आपसे समरी बनते ही नहीं है। तो समरी की पहले इस बात समझ लो, समरी जो आप लिखेंगे वो आप अपने ही नोट से लिखेंगे। अपने ही नोट्स में आपने जो हेडिंग लिखा है, आपने जो सब हेडिंग लिखा है, आपने जो ये जो तीसरा हेडिंग लिखा है, सब हेडिंग, तीन जो हेडिंग लिखा है, इन्हीं से मिला करके आपको समरी बनाना है, और उस समरी को यहाँ पर लाइंस में लिखना है। समरी की लिमिट्स होती है, 79 वर्ड्स, यानी मैक्सिमम आप 79 वर्ड्स, लगभग 80 से कम वर्ड्स की लिमिट्स में आप समरी को लिख सकते हो। 80 से ज्यादा वर्ड्स में लिखते हो, यानी कि थोड़ा बड़ा लिख देते हो तो सर नंबर काट लेते हैं कि भैया ये तो इसने तो समरी नहीं लिख दिया, पूरा अनसीन पैसेज लिख दिया है। तो यहाँ पर नंबर अपने बचाने, तो आप कितने वर्ड में लिखोगे? 79, मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 79 वर्ड्स का आप लिमिटेशन बना सकते हो। आप घर में प्रैक्टिस करोगे जिससे आपको पूरा ये नोट्स वगैरह बनाने आने लगेगा। तो सबसे एक बार पुनः रिवाइज करते हैं, आपको लिखना है नोट्स के लिए सबसे जरूरी है टाइटल, के बाद जरूरी है नोट्स की हेडिंग, फिर हेडिंग के बाद सब हेडिंग। आप चाहे तो हेडिंग की, सब हेडिंग के बाद एक और ये जो अलग से हेडिंग जोड़ी जाती है, यदि किसी कोई चीज इसी के इनर आता है, किसी इसी के अंदर आता है, तो आप उसको 3.32 3.31 करके भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको की लिखना जरूरी है, एब्रीवेशन वर्ड जिसपे आते हैं, एब्रीवेशन वर्ड में नंबर कर सकते हैं। तो एब्रीवेशन वर्ड आपको जरूर लिखना है, बहुत आसान है, इससे आसान पेपर में कुछ भी नहीं होता। मैं तो कहूंगा ये पेपर में सीधे तौर पे आपको नकल कराई जाती है, एक अनसीन पैसेज देती है और उसी चीज से आपको यहाँ पे क्या करना है, छाप करके, मतलब आपको बदल से सिर्फ लॉजिक लगाना है, टाइम देना थोड़ा सा बस। आप ये लॉजिक जो है आप क्या करोगे, एक आध बार जब आपके जो प्रीवियस पेपर है, आपके पहले के जो पेपर है, लगभग जो पिछले साल हुए 2020, 2019, 2018 इनमें, तो आप यदि उन पेपर को लगा लेते हो तो लगभग वही पैसेज क्या होते हैं, दोबारा रिवाइंड होते रहते हैं। तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, आपको ये पूरा पैसेज जो है आपसे, मतलब पेपर में बोर्ड क्लास में 10th में 9th में 11th में आपके 8 से 7 नंबर इस समरी नोट मेकिंग में जो कटते हैं वो अब कटना बंद हो जाएंगे। तो जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप टाइटल ले लेंगे, नोट्स बना लेंगे, हेडिंग सब हेडिंग बना लेंगे, की पॉइंट जरूर लिखेंगे, एब्रीवेशन वर्ड जरूर लिखेंगे। एब्रीवेशन वर्ड बहुत आसान है, जैसे आप लिख दो किलोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हो केजी, सेंटीमीटर को देते हो सीएम, एंड को ऐसा सिंबल बना देते हो, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म। तो इस प्रकार से ये एब्रीवेशन वर्ड लिखना है। समरी आपको अपने ही नोट से लिखना है, आपको पैसेज से नहीं लिखना। आप पैसेज से लिखोगे, हालांकि आप लिख सकते हो, बीच बीच में ऐड भी कर सकते हो, बट पैसेज से लिखने में जब सर चेक करते हैं तो उसमें नंबर काट देते हैं। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने ही नोट से लिखें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बहुत कुछ नया सीखेंगे और आपके नंबर, आपके रिजल्ट को एकदम बेहतर बना देंगे। मतलब आपका नंबर यदि आपका आता था 80 तो आपका 90 प्लस आना चाहिए, और यदि आपका आता था 60, 50, 40 तो अब लगभग 80 क्रॉस होना चाहिए। तो इसी उम्मीद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप चाहे तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप कटनी में रहने वाले हैं तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अभिषेक सर, अंकित सर दोनों मिलकर के पढ़ा रहे हैं। तो आप चाहे तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन। देखिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत, जो आपने उस रिजल्ट को बनाने के लिए किया है। तो मिलकर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने रिजल्ट को और बेहतर बनाकर दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, धन्यवाद, चल मारो।